वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त आशीष तंवर, और आज मैं आपको वज्रेक्स को किस प्रकार से हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें वज्रेक्स अकाउंट ओपन करना रहेगा। यहाँ पर जनरली मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा जिसमें आप क्लिक करके यहाँ पर हो सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना होगा क्रिएट एन अकाउंट पर। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही साइन अप टू वज्रेक्स लेट स्टार्ट टू, यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी लिखनी होगी। मैंने ऑलरेडी एक से ज़्यादा अकाउंट बना रखे हैं, तो मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ अपनी इस प्रकार से अपने को अकाउंट क्रिएट करना। अपना जीमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड में सेम होना चाहिए। जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी लिखते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टावर राम चिल्ड्रन @gmail.com, और साइन अप आपको करना है। जैसे ही आप इसे साइन अप करेंगे, यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा आपकी मेल पर। जैसे ये जो मेल आईडी है, इस पर मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, तो उसी पर आपको अकाउंट जाना पड़ेगा। जीमेल आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। जैसे जीमेल लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मेल मिलेगा जिसका आपको कंफर्म करना, वेरीफाई करना रहेगा। वेरीफाई करने के बाद जैसे आप इसे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करना होगा यहाँ पर जैसे गूगल गूगल और ये वज्रेक्स, इस पर आपको डबल क्लिक करके ओपन करना रहेगा। अपना अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद यहाँ पर लिखा वेरीफाई मेल, और यहाँ पर लिंक से भी आप कर सकते हैं। वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद, वेरीफाई मेल करने के तुरंत बाद आपको इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मेल वेरीफाई हो गया, और ईमेल हैज़ बिन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और आपको कंटिन्यू करना रहेगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप वज्रेक्स के ऑफिशियल अकाउंट पर पहुँच जाएंगे डैशबोर्ड पर, और वहाँ पर आपको अपनी अकाउंट को लॉगिन करना रहेगा। जैसे यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ पर जाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के तुरंत बाद लॉगिन में आपको वही लिखना है, वही जीमेल आपको डालनी है जो आपने जीमेल के लिए क्रिएट किया, और पासवर्ड मैंने जो फिल किया है वो पासवर्ड आपको फिल करना। फिल करने के तुरंत बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको KYC प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे आप इसे लॉगिन कर लेते हैं, ये जीमेल आपने लिखा, प्रोसेस कर लिया, आप चाहे तो इसे सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मोबाइल SMS वे सिक्योरिटी के लिए। आप सिक्योरिटी के लिए अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैंने एक से ज़्यादा अकाउंट बनाए हैं, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लॉगिन नहीं करूँगा, मैं नन कर रहा हूँ। लेकिन आप इसे सिक्योरिटी के लिए अपना मोबाइल SMS मैंडेटरी रहता है, सिक्योरिटी आपका रहेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालिएगा। एंड यस, वेरी गुड। ओके करने के बाद जैसे आपका मोबाइल अपडेट हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। जैसे इंडिया से मैं हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करना है। एंड देन कंप्लीट KYC, डिपॉजिट योर KYC। अब इसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट में जो हो वही लिखना है, ऐसा नहीं है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो होता है वही आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी रहेगी। उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा, जो आधार कार्ड में है वही लिखना है, ताकि आपको KYC में इशू ना आए। आपको यहाँ पर बेसिकली कंप्लीट KYC करनी रहेगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना स्टेट लिखना है, राजस्थान, जैसा कि मैंने फॉलो है। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, स्टेट फिल करना है, आपको पिन कोड डालना है, आपको एरिया कोड जो होता है वो डालना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का पैन नंबर डालना है, दोनों पैन का पैन नंबर लिखा होता है अपना, परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की एक फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है आपको आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट साइड, यहाँ पर नंबर लिखने होंगे आधार कार्ड के, और आधार कार्ड के साथ
फोटो फ्रंट साइड एंड बैक साइड आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। जैसे ही आप इसको अपलोड करते हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो आपको यहाँ पर लेना है और आधार कार्ड के साथ अपनी एक सेल्फी आपको यहाँ पर लाके अपलोड करनी है। जैसे आप अपलोड करते हैं, विद इन अ 2 डेज, विद इन अ 24 आवर्स के अंदर आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। KYC कंप्लीट करने के बाद जो प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस किस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है, बैंक अकाउंट और अपना UPI ID ऐड। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाना है, अकाउंट सेटिंग पर जाना है। अकाउंट सेटिंग पर आपको करंट प्रेफरेंस रेफरल वेरीफाई KYC, अगर आपकी KYC जब वेरीफाई हो जाएगी तो ये सिंपली कॉन्ग्रेचुलेशन योर KYC अप्रूव्ड ऐसा शो करेगा। और यहाँ पर आपको फिर से अकाउंट सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपना अकाउंट डिटेल जो है, यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट डाल दिया है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं और UPI ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी UPI ID भी ऐड कर रखी है। तो आप यहाँ पर अपनी पेमेंट ऑप्शन में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिए और UPI ID ऐड कर दीजिएगा और KYC, और इसके लिए आपकी UPI या फोन पे गूगल पे से आप इसमें पेमेंट ऐड नहीं कर सकते। इसमें अकाउंट में पेमेंट डालने के लिए नेट बैंकिंग का यूज़ करना रहेगा, तभी आप इसमें अकाउंट ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से इस एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं, इसका एक ओवरव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो कनेक्ट रहिए, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दिया है मैंने, तो आप उसे देखिए कि आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे के लिए ये जो वीडियो है उन यूज़र्स के लिए है जो वजरिक्स पे पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। इसकी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसे देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि किन कॉइन्स को हम बाई करके होल्ड करके खरीद के रखने से आप आने वाले समय में यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार का इशू हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकूँ। थैंक यू सो मच।